चलिए साथियों, दो एक जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, स्विच वाले, रेजिस्टर वाले, और फिर आगे एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख के इसको टाटा बाय बाय करते हैं। इसको तो मिटाया, फिर होमवर्क, फिर कुछ और चीज़ दूंगा। देखिए, सॉरी, आपको बोला क्वेश्चन, पहले डायग्राम देख लेना। ये एक स्विच है, F1, ए एरो, फिर आगे एक और स्विच है, और ये आपको दिख रहा है सीरीज में लगे हुए हैं, S1, S2, S2, और यहाँ पे है कुछ नहीं, टर्मिनल, देन ये एक टर्मिनल फाइनली, कितना, B। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि लेट S1 एंड S2 बी टू स्विचेस इन सीरीज। मैंने दे दिया, ये ऐड कर दिया, सीरीज में है, वैसे दिया नहीं था क्वेश्चन में, बट आपको दिख ही रहा है सीरीज में, एंड पॉइंट सबका एक ही तो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा सबको। सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इज PS1 इज इक्वल टू 4/5 एंड PS2 इज इक्वल टू 9/10। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट करंट विल फ्लो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी करंट फ्लो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो आप खुद ही देखो, ये यूनियन का बना, क्योंकि यहाँ पे तो हम पे एक ही वे है, तो करंट तभी फ्लो करेगा जब ये भी काम करे और वो भी काम करे, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी करंट फ्लो क्या होगा, दोनों स्विच क्लोज हो तभी तो, ये यहाँ गिरे, ये यहाँ गिरे, दोनों बंद हो, सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो करेगा, ये बात है। ऑब्वियसली यहाँ बैटरी होगी, करंट फ्लो तभी करेगा कि जब प्रोबेबिलिटी F1 भी क्या हो, क्लोज हो, और उसी समय S2 भी क्या हो, क्लोज हो, तभी ही ये काम करेगा। अब F1 क्लोज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है PS1, एंड बना इंटरसेक्शन तो मल्टीप्लाई बनेगा, और फिर PS2 तो 4/5 × 9/10, तो ये आ गया 36/50, जो कि हो गया 18/25 के बराबर, 18/25 के बराबर। चेक करिए, ठीक है, एक है, आप उलझ जाते हो ना क्वेश्चन में, इसलिए करा दिया मैंने। चलिए, एक इसी के जैसे क्वेश्चन देखिए, पैरेलल का। पैरेलल में तो ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी चल जाता है करंट। तो यहाँ पे ए हो गया, ये है, 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 और यहाँ से जाके ऐसा है S2, यहाँ पे S1, ये आ गया आपका B। तो आपका क्वेश्चन ये है, जब तक ये नीचे नहीं गिरेंगे, तो अगर ये नीचे गिर गया तो करंट ऊपर से चल जाएगा, ये नीचे गिर गया तो करंट नीचे से चल जाएगा, मतलब अब चॉइसेस हैं, चॉइसेस हैं, मतलब एटलीस्ट है, मतलब यूनियन है, अब तो चॉइस है ना, करंट को फ्लो कराने, तो ये गिर जाएगा, ऊपर वाले के बेस पे बता रहा हूँ, यही पूछ रखा होगा, ये गिर जाएगा तो करंट ऊपर से चल जाएगा, ये गिर जाएगा तो करंट नीचे से चल जाएगा, तो अब चॉइस है, चॉइस मतलब क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, एटलीस्ट। तो आपसे बोला लेट, वही सिंपल सी बात है, PS1 दे रखा अब आपको, दिख रहा है आपको 2/3, और PS2 दे रखा है आपको 3/4, ठीक है, और ये पैरेलल में है, आपको दिख रहे हैं पैरेलल में है, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी कि करंट फ्लो कर जाए इसकी। तो अब हम पे चॉइस है, क्यों, इसको दबा देंगे तो इसको क्लोज कर देंगे तो ऊपर से जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे तो नीचे से जाएगा, तो इस बार प्रोबेबिलिटी करंट फ्लो क्या हो जाएगी, स्विच F1 और स्विच S2, मतलब प्रोबेबिलिटी F1 यूनियन S2, सिंपल सी बात है, या तो उसको दबाओ या तो उसको दबाओ, पहली वाली अर्थ ने ऊपर वाले को दबाया, नीचे वाले ने, दूसरी वाली ने नीचे वाले को दबाया, बात तो एक ही पड़ेगी। तो आ जाएगा PS1 + PS2, यूनियन का फार्मूला पता है ना, -PS1 × S2, अब इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई बन जाता है, PS1 है 2/3, PS2 है 3/4, माइनस ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में, तो 2/3 और 3/4, तो एलसीएम आप 12 ले लेना साहब, 3 4 जै 12, 4 2 जै 8, 4 3 जै 12, 3 3 जै 9, और यहाँ पे 6 आ गया, 9 - 6 = 3, 8 3 = 11, 11/12 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 11/12, क्लियर, इतना शाबाश। चलिए, अब कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो घर से आप करके आना होमवर्क,
देखिए होमवर्क क्या है आप पे। देखिए आंसर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन वही है जो पिछली बार करा था हमने, दोबारा दे रहा हूँ। अ कॉइन इज अ टॉस्ड इफ हेड कम्स अप अ डाइस थ्रोन। हेड में डाई थ्रो कर देंगे, सैंपल स्पेस बनेगा H1, H2, H3, H4, H5, H6। डाई इज अ थ्रोन बट इफ टेल्स कम अप कॉइन इज टॉस अगेन। कॉइन इज टॉस अगेन। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दो टेल्स आ जाए भैया हम पे। अब ये बिना उसके भी हो जाएगा, दो टेल्स आ जाएँ, दो क्या आ जाएँ, टेल्स आ जाएँ, इसकी प्रोबेबिलिटी। या दूसरा हेड और नंबर सिक्स आ जाए। तीसरा हेड और इवन नंबर आए। मैं आपको बस इसका सिंपल स्पेस बता देता हूँ क्या आएगा। कॉइन को टॉस करा, हेड आ गया, हेड के साथ डाई को थ्रो करना है तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। बट अगर टेल आ गया तो टेल के बाद डाई को दोबारा थ्रो करना है, सॉरी टेल के बाद कॉइन को टॉस करना है, तो टेल के साथ हेड आ सकता है, टेल के साथ टेल आ सकता है। कुल मिला के 8 आउटकम्स हैं। दो टेल आपको दिख रहा है, एक बार है, हेड और 6 एक ही बार है, हेड और इवन नंबर, हेड 2, हेड 4, हेड 6। तो ये कर लेना खुद, ठीक है। आंसर बता देता हूँ मैं आपके, इसके क्या क्या आएंगे। तो आपका आंसर आएगा 1/8, 1/8, 3/8, 1/8, 1/8 एंड 3/8। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज अगन कैन टेक मैक्स 4 शॉट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, किसी प्लेन को हिट कर रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग प्लेन इज 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन शॉट इज हिट। अब यहाँ फंसोगे तुम, बताओ क्यों। हार्ड क्वेश्चन दे देता हूँ ना। प्रोबेबिलिटी कम से कम एक लगे, तो एक तो लगेगा ही है ना, दो लग सकते हैं, तो दो लगे कोई एक, जैसे 4 शॉट मारेगा ना, शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4, तो एक लगेगा तो शॉट 1 लगे, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4 ना लगे। अब एक में बहुत आएंगे, या शॉट 2 लग जाए, शॉट 3 लग जाए, शॉट 4 लग जाएँ, या तो दो लग जाएँ, या तो तीन लग जाएँ, या तो चार ही के चार लग जाएँ। तो इसके लिए बस ये लगा दें ना 1- प्रोबेबिलिटी कोई शॉट ना लगे, कोई शॉट ना लगे, वही आंसर है इसका। नहीं तो फंस जाओगे, जैसे अभी था ना मशीन वर्क वाला, वही है। कम से कम एक शॉट लगे तो भैया 4 शॉट हैं, कैसे लगाओगे। या तो सिर्फ एक लगेगा प्लस, या तो सिर्फ दो लगेगा प्लस, या तो सिर्फ तीन लगेगा, या चारों लगेंगे, बहुत सारे बनेंगे। इससे बढ़िया है 1- प्रोबेबिलिटी कोई ना लगे। कोई ना लगे कब होगा, जब ये भी ना लगे, वो भी ना लगे, ये भी ना लगे और वो भी ना लगे, मतलब 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, ठीक है। ये कर लेना, इसका आंसर है 0.6976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ टाउन हैज टू फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच, दोनों की अवेलेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच, हर एक की मौजूद होने की, जब कैटास्ट्रोफी आ जाए, आग लग जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इज 0.95 है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, मतलब पहला भी अवेलेबल ना हो, दूसरा भी अवेलेबल ना हो, मतलब इसका उल्टा 0.05 × 0.05, नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल। दूसरा इन्होंने बोला एन एक्सटिंग्विशर इज अवेलेबल,
एक्सटिंग्विशर इज़ अवेलेबल, मतलब एन मतलब एक ही अवेलेबल है, तो या तो पहला अवेलेबल हो दूसरा अवेलेबल ना हो, पहला अवेलेबल हो और दूसरा अवेलेबल ना हो, या दूसरा अवेलेबल हो और पहला अवेलेबल ना हो। तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 का आंसर है, पहले का है 1/400 और दूसरे का है 19/200, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, अ बैग कंटेन्स 17 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 17, अ टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट, इसे रॉ मेथड से करना, इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग, जब मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कराऊंगा तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा आएगा ये, रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, और इसे रॉ मेथड से करना, पिछले साल के बच्चे भी कर रहे थे, बोथ टिकट्स शो इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों टिकट्स इवन नंबर दिखाएं। इसका आंसर है 7/34। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा आपके क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार जो निकल गया सो निकल गया, ये तुमने 11th में बहुत करे ऐसे क्वेश्चन, विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकंड ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहली वाइट हो और दूसरी ब्लैक हो। तो आंसर आएगा इसका 1/4, चेक कर लीजिएगा 5th का आपके हिसाब से, 2nd का, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंडम है, फेयर चांस है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड, विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड, इस कार्ड को बिना रिप्लेस करके, विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड अ सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, सेकेंड कार्ड को हमने ड्रॉन करा, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा कि एक साथ दो नहीं उठाए, एक के बाद एक उठाया, ठीक है। अब इन्होंने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये भी कंडीशनली तो है, एक उठाए फिर दूसरा देख रहे हैं, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ऑफ क्लब एंड सेकंड इज ऑफ स्पेड, सेकंड हो स्पेड का, पहला क्लब का दूसरा स्पेड का हो, पता है ना डेक का क्राइटेरिया, नहीं है 11th की बुक खोलो, पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। थर्ड का आंसर है 13/204, चेक कर लीजिएगा, 13/ कितना है, 204 है। चलो और देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स थैला 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, टू सक्सेसिव ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल्स एट अ टाइम, मतलब कुल मिला के 6 बॉल निकालेंगे एक समय में, 3 ही निकालनी है एट अ टाइम, आर मेड सच दैट बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम
balls drawn from first draw are not replaced till second is not drawn। मतलब जो आपने पहले थ्रो में बॉल निकाली है या पहले ड्रॉन में बॉल निकाली है वो तब तक दोबारा थैली में नहीं डालेंगे जब तक दूसरी नहीं निकालेंगे। तो एक समय में छः होंगी फिर जाके तीन आएगी, तीन थैले में दोबारा डालनी है, नॉट ड्रॉन। फिर क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 वाइट एंड सेकंड 3 ब्लैक। ठीक है, ये अब देखो इसका आंसर क्या है, 7/4 29 है। देख लेना कैसे हुआ, आता है ये तुमको सारा। हाँ सर हमें सभी आता है कर लेना यार, हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही लगेगा। लो इसका सॉल्यूशन ये होगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। मतलब ये आना चाहिए तुम्हारा, अब जहाँ से पे देखो 13C3 आएगा और यहाँ पे आएगा 10C3। अब ऐसा क्यों हुआ देखना, ठीक है। और इसके बाद कोई अच्छा क्वेश्चन है तो देखते हैं। ये रहा एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए कैन हिट टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, बी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड सी कैन इन 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट पहला ए बी एंड सी ऑल हिट टारगेट और दूसरा है बी एंड सी हिट एंड ए डजंट हिट। ठीक है, ये देख लेना। और इसका आंसर है आपका 2/5 and 1/10 2/5 and 1/10। चेक करिए, बाकी देखता हूँ मैं कोई और क्वेश्चन। बाकी सारे वैसे ही हैं जो मैंने पहले आपको करा रखे हैं, कोई नया सा नहीं है। अगर आपको फीडर्स के लिए चाहिए तो दे देता हूँ, फीडर्स के लिए चाहिए तो दे देता हूँ, ये लो। आपको बोला ए एंड बी अपियर फॉर एन इंटरव्यू, अपियर फॉर 2 वैकेंसीज। ठीक है, किसी इंटरव्यू में 2 वैकेंसीज के लिए गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन, ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रिजेक्शन की, बी के रिजेक्शन की है 1/4। फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्ट हो जाए, और दूसरा है ओनली वन ऑफ देम सेलेक्ट हो, तीसरा है नाइदर ऑफ देम, कोई भी सिलेक्ट ना हो, नाइदर ऑफ देम। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट ना हो, तो ये भी देख लेना आप। इसके बाद क्या है, एक वो जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के वैसे वाले दिए थे ना, न्यूमेरिकल वाले, एक वाला देख लो क्या आपको बोला है। इफ़ ई1 एंड ई2 जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, P(e1) दे रखा आपको 0.3 एंड P(e2) दे रखा आपको 0.4, तो फाइंड पहला P(e1) इंटरसेक्शन ई2, दूसरा P(e1) इंटरसेक्शन ई2, तीसरा P(e1) इंटरसेक्शन ई2, चौथा P(e1) इंटरसेक्शन ई2। ये सारे आप निकालना। और कोई है क्वेश्चन, टारगेट वाला हो गया, ये हो गया। एक आखिरी प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व प्रॉब्लम है 2/3, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व कर जाए उसका है 3/5। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस किस चीज़ की,
प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी नन सॉल्व द प्रॉब्लम, नन सॉल्व द प्रॉब्लम, तीसरा है प्रोबेबिलिटी ओनली वन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सारे फीडर क्वेश्चन है, आपको फॉर्डर मटेरियल दे रहा हूँ, ये हमने करे हैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन। तो यहीं पे हम अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मज़ा आया समझ के, गुड। अब हम बेस थ्योरम करेंगे, ठीक है। छोटी सी है बेस थ्योरम, ज़्यादा थोड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी 5-10 क्वेश्चन है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, गुड। चलिए, थैंक यू।